अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र गौहर पब्लिशर्स ने आपके लिए वीडियो लिंक्स के ज़रिए आपके तदरीसी अमल को जारी रखने की कोशिश की है। उम्मीद है हमारी इस काविश से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। घर पर रहें, महफूज रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस उसको कायम रखें। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको तमाम वबाई अमराज से महफूज रखें। आज हम गौहर इस्लामियात बुक वन का सबक वन और उसका लेक्चर 1.1 पढ़ेंगे। सबक वन को हमने तीन लेक्चर्स में डिवाइड किया है ताकि हम इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें और इसकी मुश्किल को भी हल कर सकें। हमारा जो आज का सबक है, अल्लाह ताला एक है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इसका बाप है ना माँ, इसकी बीवी है ना बच्चे। इन्हीं तीन लाइंस को हम रिपीट करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इसका बाप है ना माँ, इसकी बीवी है ना बच्चे। तो बच्चों, जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, घरों में बच्चे होते हैं, तो अल्लाह ताला इन तमाम रिश्तों से पाक है। वो वाहदहु ला शरीक है, वो हमेशा से अकेला है और ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। आसमान, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, दरिया और समंदर सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। परिंदे, मछलियाँ, जंगली जानवर, रेंगने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। इन्हीं तीन लाइनों को हम दोबारा से देखते हैं। अल्लाह ताला हमेशा से है, अकेला है और हमेशा रहेगा। जब से ये कायनात बनी है, अल्लाह ताला उस वक्त भी था। जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला उस वक्त भी होगा। इस तरह से आसमान, सूरज, चांद, सितारे, दिन के वक्त जब हम आसमान की तरफ देखते हैं हमें सूरज नज़र आता है, जब हम रात के वक्त देखते हैं हमें चांद और सितारे नज़र आते हैं। ज़मीन पे कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं समंदर हैं, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसी तरह से फ़ज़ा में हमें परिंदे नज़र आते हैं, पानी में मछलियाँ, जंगली जानवर, ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े, ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। हम सब इंसानों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, फरिश्तों और जिन्नों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इंसान, हम इंसान अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। इसी तरह से फरिश्ते और जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, फरिश्तों और जिन्नों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को हम एक दफ़ा से फिर रिपीट करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इसका बाप है ना माँ, इसकी बीवी है ना बच्चे। वो हमेशा से अकेला और ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। आसमान, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, दरिया और समंदर सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। परिंदे, मछलियाँ, जंगली जानवर, रेंगने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े सब अल्लाह ताला ने पैदा किए। हम सब इंसानों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, फरिश्तों और जिन्नों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो बच्चों, इसको आपने 2 से 3 बार खुद पढ़ना है। जो उनसे अल्फाज आपको मुश्किल लगें उनको बार बार आपने दोहराना है, और घर में आपके बड़े, आपके वालदैन, बड़े बहन भाई, उनसे मदद लेनी है कि आप इन अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें और इस पैराग्राफ को याद कर सकें। तो इंशाल्लाह इस सबक का अगला हिस्सा, अगला लेक्चर हम कल पढ़ेंगे और हम इसकी रिवीजन भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें।